नमस्कार वीक्षकरे, यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. हमेशा हमारे सदर साहब जो है वो हमेशा कैंपेनिंग के लिए हर हलके में जाते हैं, तो इसी तरह इस मर्तबा के जो रियासती कर्नाटका के इंतखाबात के ज़मन में हमारे यहाँ मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तारीख को, जो आने वाली 4 तारीख है, आने वाली 4 तारीख को कोलार में पैदल दौरे के साथ साथ एक जनसभा रखी गई है जो शाम में है, वो 4 तारीख को कोलार में होगी. और इसी तरह 5 तारीख को बसवन भागेवाड़ी में पैदल दौरे के साथ साथ वहाँ भी शाम में एक बहुत बड़े पैमाने पर जनसभा रखी गई है. तो इसी सिलसिले में हमारे सदर साहब जो हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं. वो सभी लोगों के दरमियान आकर अपने हक में वोट मांगने की वो कोशिश करेंगे. और साथ ही साथ 7 तारीख को जो है हमारे और एक फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो भी इस दौरे में आने की तैयारी में हैं. इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आएंगे 7 तारीख को यहाँ पर. यहाँ पर बीजेपी से योगी आदित्यनाथ जैसे भी लीडर आए हैं, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब कि अकबरुद्दीन ओवैसी आने के बाद में क्या है कि पब्लिक टर्न होने का चांस है? साहब वो आने के सिलसिले में टर्न होंगे उनका, ये होगा ये मैं नहीं कहता, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदन में सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ उठाते हैं, इसी आवाज़ को लेकर सारे लोग तब्दील हो चुके हैं. अगर वो आएंगे तो उनकी मोहब्बत में और ज़्यादा तब्दील होंगे वोट्स और ज़्यादा. अब देखिए बीजापुर में क्या हुआ, सिर्फ एक मरतबा उनका दौरा पैदल दौरा हुआ, अल्लाह ने वहाँ पर 2 सीटों को कामयाबी दी. हो सकता है उनके खाली सिर्फ चहल पहल करने से, उनके ऐसे मुबारक कदम हैं और वो एक ऐसे बंदे हैं जिनकी फ़िक्र जो है हमेशा हमेशा अल्लाह की ज़ात की ज़ात पर उनकी उम्मीद रहती है और हमेशा अल्लाह की ज़ात पर उनका भरोसा है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं और हमेशा जिक्र और तिलावत में वो हमेशा मशगूल रहते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी लाज रखेगा और अल्लाह उन्हें उनके सदक़े में हमें ज़रूर कामयाबी अता कराए. साहब देखिए मैं आपको बताता चलूँ, इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है, लीडर मानते हैं, तो सबसे पहले महात्मा गांधी को अपना सबसे बड़ा लीडर मानते हैं. अगर महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा अगर लीडर है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, ये हमारे सदर साहब कहते हैं. अब मैं कहता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदर भीमराव अंबेडकर साहब की नक्श कदम पर अगर चलने वाला कोई इस देश में अगर सबसे बड़ा नेता है अभी फ़िलहाल 21वीं सदी का, अगर अंबेडकर भी कहा जाए तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं. आप देखिए सदन में सब लोग इस देश में कितने भी पॉलिटिशियन जो लोग हैं वो सारे लोग जो है ये कानून को सही तरीके से ना इस्तेमाल करते हुए कानून की धज्जियाँ उड़ाकर सारे लोग स्पीचेस करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं, बयानात देते हैं. लेकिन आप हमारे सदर साहब की हिस्ट्री, उनके स्पीचेस और उनकी कैंपेनिंग के स्पीचेस अगर निकाल के देखेंगे तो एक भी ऐसा उनका स्पीचेस नहीं है जो इस देश के कानून को तोड़कर उन्होंने किया होगा. तो मैं कहता हूँ ये भीमराव अंबेडकर जैसे नेता के नक्श कदम पर चलने वाला अगर कोई नेता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब. वो ना तो उनके सामने मोदी बड़ा है, ना उनके सामने योगी बड़ा है, ना उनके सामने बेल्डू भी बड़ा है, ना उनके सामने शिवानंद बड़ा है. ये तो मैं समझता हूँ उनके क्या कहते हैं उसको, इस एक छोटी सी इसकी कीमत के बराबर भी नहीं है ये लोग. उनके उनके दिमागों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व सब कुछ भरा है, लेकिन हमारे सदर साहब के दिल में हिंदुस्तान भरा है. हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती को है वो हमेशा बचाना चाहते हैं, वो बचाने के काम कर रहे हैं. तो हम लोगों को अभी ज़रूरत है कि अब देखिए पाकिस्तान के जगह पे जाकर पाकिस्तान के खिलाफ में अगर किसी ने बात की है, किसी मर्द के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि उस देश में जाकर उस देश के खिलाफ में बोले. आपने देखा है टीवी माध्यम में कि जब उनका इंटरव्यू हुआ पाकिस्तान में तो वहाँ जाकर भी उन्होंने हिंदुस्तान की शान को बरकरार रखा है. किस लीडर में यह ताकत है बोलिए. और हमारे डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका. स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है. अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9922955 और 8050828793. हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री चुप्पी साधकर किसी को बिना बताए हुए जाकर बिरयानी खाकर चले आते हैं.
उनके गढ़ में जाकर हमारे देश की तारीफ, हमारे देश की जो खूबसूरती का है बताना चाहते हैं, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले बताए हैं। मैं समझता हूँ इस देश में अगर हम लोगों को सही तरीके से हम जानेंगे तो इस देश में वाहिद नेता है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उनकी बदकिस्मती है कि वो मुस्लिम समाज में पैदा हुए, अगर कहीं वो हिंदू समाज में होते आज इस देश के प्रधानमंत्री के काबिल वो लोग वो रहते। लेकिन दुनिया के एतबार से है वो तो आखिरत के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के भी प्रधानमंत्री हैं, वो जन्नत के भी प्रधानमंत्री जैसे जन्नत के भी प्रधानमंत्री जैसे हैं, वो लोग हकदार हैं वो जन्नत के वहाँ के, क्योंकि उन्होंने कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की, उनकी नमाज़ें आज तक कज़ा नहीं होती। जहाँ भी प्रचार में जाते हैं नमाज की महत्व को समझते हैं, नमाज के अदा करते हैं, और उनके जो लुकमे हैं वो खाना है उनका, आज तक उन्होंने हराम के खाने को अपने हाथों से उठाया तक नहीं। हम जान देखे हैं, ये हमारी नज़रों से देखे हैं हम लोग। और आज के ये नेता जो हैं, उन जिन लोगों को सही तरीके से इस्लाम नहीं मालूम और जिन लोगों को सही तरीके से ज़िंदगी में रहना और जहाँ तक के तहारत करने के तरीके नहीं मालूम, ऐसे लोगों की बातों को हम लोग यकीन करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को कहने वालों पर हम यकीन नहीं करते, इसीलिए हम लोगों पर इल्ज़ाम ढाए जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बदनाम किए जा रहे हैं। हम कभी बदनामी से नहीं डरते और इनके इल्ज़ाम से नहीं डरते, हम डट कर मुकाबला करेंगे। मुसलमानों के इक्तदार को पैदा करने के लिए, मुसलमानों को इक्तदार को मुस्तकीम बनाने के लिए हम लोग हमेशा काम करेंगे, चाहे लोग जितना भी हम पर इल्ज़ाम लगाए, चाहे लोग हम पर जितने भी ऐसे इल्ज़ाम लगाए, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, चाँद पर थूकने से क्या चाँद पर थूक लगेगा? नहीं लगेगा, उल्टा उनके मुँह पर पड़ेगा। ऐसी हालत है, ये भी कांग्रेस वाले हम लोगों पर थूक रहे हैं, ये थूक उन पर ही पड़ेगा। बस इसी बात से कहते हुए मैं आखिर में दोबारा यही बात कहना पसंद करता हूँ कि आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सोच को देखें, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को देखकर इस मर्तबा जो है बसवन भागवड़ी मतक्षेत्र में जो जितने भी हमारे मतदाता हैं, उन सारे मतदाताओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे हक में वोट देकर, हमारा निशान जो है वो पतंग है, पतंग के निशान को आप अपना कीमती वोट देकर हमें कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह हम लोग आपकी खिदमत में दिन और रात मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। जो भी आपकी परेशानियां हैं उन सारी परेशानियों को हम लोग आपके साथ में रहेंगे। नोड़ नम एस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस नोड़ता नम चल सब्सक्रैबी बाजू इेल ईकान क्ली नम चल लाइक शेर नम नडे सत्यद कड़े।